दोस्तों इंडिया में एकदम से कूपे एसयूवीज की बाढ़ आ गई है, जिसमें टाटा कर्व की देखा देखी में आप महिंद्रा ने अपनी एक्सवी EV9 और सिट्रोएन ने अपनी बसाल्ट कॉर्न भी कर दिया है। लेकिन जहां ऑलरेडी इंडिया में एसयूवी मार्केट इतना पॉपुलर है, वही कार कंपनीज क्यों इन कूपे एसयूवीज को मार्केट में उतार रही है जिनका डिजाइन भी इंडियंस को पसंद नहीं आ रहा। दोस्तों इसका रीजन काफी सिंपल है, आपने लैम्बोर्गिनी की उरुस, BMW की X4 और मर्सिडीज की GLC तो देखी होगी। ये सभी गाड़ियां लग्जरी सेगमेंट में कूपे एसयूवी की कैटेगरी में ही आती है, जो कि इंडिया के अलावा दूसरी कंट्री में काफी पॉपुलर भी है। इन कूपे इसका एक कर्व डिजाइन काफी एरोडायनामिक है, जिससे ये एक बॉक्सी एसयूवी के कंपैरिजन में कम ट्रैक के साथ अच्छी परफॉर्मेंस और माइलेज निकाल कर देती है, और इंडियंस का और माइलेज का रिश्ता कौन नहीं जानता। दूसरा रीजन है डिजाइन। अगर आप इंडिया में मौजूद एसयूवी की ओर देखें तो ऑलमोस्ट हर एसयूवी एक जैसी दिखाई दे रही है, जिसको अब लाइट्स को और ग्रिल को अग्रेसिव बनाकर भी काम नहीं चल रहा, और इससे कंपनीज अपनी कार के डिजाइन को अपग्रेड करके भी अपनी ब्रांड आइडेंटिटी नहीं बना पा रही। और इंडिया में एसयूवी मार्केट में कॉम्पिटिशन इतना ज्यादा बढ़ गया है कि यहाँ हर प्राइस रेंज में एक एसयूवी अवेलेबल है, जिससे एसयूवीज पर पैसा कमाना इन कंपनियों के लिए भी मुश्किल हो गया है। और यही रीजन है जिसकी वजह से ये कंपनियां कूपे एसयूवी जैसे लग्जरी सेगमेंट को 10 से 15 लाख के प्राइस सेगमेंट में इंडिया में उतार रही है, जिसमें हमें एसयूवी जैसी ग्राउंड क्लियरेंस, अच्छा सीटिंग स्पेस, महंगी गाड़ी ओनर डिजाइन और बहुत ही बड़ा बूट स्पेस मिलेगा, जिसमें फर्स्ट मूवर एडवांटेज के रूप में टाटा कर्व ने तो बाजी मार ली है। बट क्या टाटा नेक्सॉन की तरह ही इंडिया में कर्व के साथ इस कूपे एसयूवी सेगमेंट को पॉपुलर कर पाएगा? लेट अस नो इन द कमेंट्स। और ऐसे ही कार्स रिलेटेड कंटेंट के लिए सब्सक्राइब टू क्यूरियस कार इंडिया।